बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मलिक आकिब और आप देख रहे हैं H4K Strive। हमेशा की तरह ये वीडियो मैं एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम के अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। कैसे आप जब एक ही पोस्ट लगाएंगे तो आपकी जो वीडियो है, जो रील है, वो आपके फेसबुक पे भी अपलोड होगी रील में, और आपके जो इंस्टाग्राम के ऊपर है वो भी वहाँ पे भी अपलोड होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल इंशाल्लाह प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, बकायदा तरीका बताऊंगा कि आपने इंस्टाग्राम के अंदर जाके किस तरीके से आपने वहाँ पे जाके अपने जो फेसबुक का पेज है उसको आपने लिंक करना है। तो आपने इंस्टाग्राम ओपन करना है और जैसे ही प्रोफाइल में आएंगे यहाँ पे एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होता है, इसके ऊपर आपने क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आपने एडिट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पूरी जो डिटेल है आपकी प्रोफाइल की वो आ जाएगी, आपका यूज़र नेम, उसके बाद आपका जो बायो है सारी चीज़ें आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने चेक करना है, यहाँ पे नीचे पेज का एक ऑप्शन आ रहा होगा। आप अगर यहाँ पे गौर से देखें प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन के नीचे पेज आ रहा है, जैसे ही पेज के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बकायदा कह रहा है कनेक्ट अ क्रिएट फेसबुक पेज। तो हमने अभी क्रिएट हमने किया हुआ फेसबुक पेज, अभी हमने क्या कनेक्ट करना है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपको ये डायरेक्ट ले जाएगा अपने फेसबुक का जो आईडी है वहाँ पे ऊपर ले के जाएगा। और आपने क्या करना है, इधर से कंटिन्यू जो भी आपकी फेसबुक की आईडी होगी उसको आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही इसको हमने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास सामने ही आपके पास जितने भी पेज होंगे आपकी इस आईडी के वो सामने शो हो जाएंगे। आपने जौन सा पेज आपने उसके साथ लिंक करना है उसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको डन कर देंगे। जैसे ही आप डन करेंगे तो उसके बाद आपका जो पेज है वो उसके साथ लिंक हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल सेटिंग के अंदर जाके तो इसको फेसबुक का जो पेज है उसको आपने लिंक कर लेना है। ये विद इन सेकेंड्स के अंदर हो जाएगा, ये देख सकते हैं। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे नज़र आ रहा है पेज के आगे जो मलिक आकिब का जो फेसबुक पेज है वो भी साथ है लिंक हो गया, ठीक हो गया। यहाँ से अगर आप दोबारा चेक करते हैं तो यह क्या कह रहा है, डिस्कनेक्ट पेज, डिस्कनेक्ट करना है तो यहाँ से आप डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं और लिंक करना है तो इस तरीके से आपने लिंक करना है। तो इस वीडियो में आपको मैंने दो चीज़ें बता दी, आपने लिंक कैसे करना है और डिस्कनेक्ट कैसे करना है। तो अभी हम चेक करते हैं कि हमारे फेसबुक पेज के साथ इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक हुआ है या नहीं हुआ। आपने फेसबुक पेज को ओपन करना है, जैसे कि आपके सामने मैंने ओपन किया है, उसकी सेटिंग में जाना है। यहाँ से इस सेटिंग में जाएंगे, ये आपके सामने ऊपर सेटिंग का जो ऑप्शन है इसके ऊपर जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज है और उसके नीचे लिखा हुआ है लिंक्ड अकाउंट। हम क्या करें, लिंक्ड अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट का जो मेरा मलिक आकिब डॉट ऑफिशियल का पेज है, ये वाला इंस्टाग्राम अकाउंट है वो साथ लिंक हुआ हुआ है। तो यहाँ से भी आप इसको डिसकनेक्ट कर सकते हैं। तो दो ऑप्शन है, उधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को आपने लाइक कमेंट भी किया होगा। तो मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए, टेक्स्ट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए H4K Strive को सब्सक्राइब कर दें। अगर फेसबुक पे हैं तो वहाँ से फॉलो कर दीजिए। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए मलिक आकिब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।